हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डी एम एस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आईआईटी जोधपुर की कट ऑफ। तो इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में हम देखेंगे आईआईटी जोधपुर की सभी ब्रांचेस की कट ऑफ बीटेक में और सभी कैटेगरीज़ की कट ऑफ जेई एडवांस के थ्रू, जिसमें एडमिशन होता है। अब चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी कट ऑफ है, जो भी कैटेगरी है, सबकी कट ऑफ देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। आईआईटी जोधपुर एक न्यू आईआईटी है और आईआईटी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप सबको पता है। और दूसरी बात ये कि ये राउंड वन की कट ऑफ है। राउंड वन में बताता हूँ क्या राउंड है। ये आप सब जेई मेन्स देते हैं, फिर जेई एडवांस देते हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाते हैं एडमिशन के लिए। तो उसमें जो सा काउंसलिंग होती है वो आईआईटीज के लिए, उसमें 6 राउंड होते हैं, टोटल 6 राउंड। तो राउंड वन होता है, फिर राउंड 2, 3, 4, 5, 6। तो राउंड वन में कट ऑफ बहुत हाई रहती हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड रहता है, फिर सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, लास्ट में 6 राउंड तक सबसे कम हो जाती हैं कट ऑफ। दूसरी चीज़ ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2021 की, तो इससे ये ऐसा है नहीं कि ये मतलब गलत है, मतलब 2022 के लिए गलत है ऐसा है नहीं, क्योंकि 2022 की कट ऑफ अभी तक आई नहीं है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हैं 2022 के लिए, क्योंकि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है वही नेक्स्ट ईयर कट ऑफ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, आप सबको पता है। मैं सारी वीडियो में मेरी सारी वीडियोज़ में यही बात बोलता हूँ मैं, आप सब देखते होंगे, आप सबको पता है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहती है वही नेक्स्ट ईयर कट ऑफ आती है। एक दो मतलब बहुत ही कम रैंक से 100-200 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रैंक ऊपर नीचे। तो इससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि इस साल कितनी कट ऑफ रहने वाली है, आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी आईआईटी जोधपुर में आपके कैटेगरी में, या फिर आपको कितनी रैंक एम करनी है नेक्स्ट ईयर या जब भी एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो स्टार्ट कर दिया है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग। तो ये अल्फ़ाबेटिकली है, सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं, बीटेक है ये, इसमें कोटा एआई है। एआई मतलब ऑल इंडिया, होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं होता है इसके अंदर, एनआईटी में होता है। ओपन मतलब जनरल, जनरल में देखो हमें ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होता, क्लोजिंग रैंक से मतलब होता है, क्लोजिंग रैंक हमारी कट ऑफ होती है, सीट फुल हो जाती है। तो एआई एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, इसकी जो कट ऑफ गई है वो फर्स्ट राउंड में जनरल के लिए वो 3510 गई है। तो आप अप्रोक्स सेफ साइड के लिए फर्स्ट राउंड में 3500 तक एम करके चल सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं आपको, कि लास्ट ईयर से कम कंपटीशन रहने वाला है इस साल, जैस ये मतलब मोस्ट चांसेस यही है कि इस साल कंपटीशन बहुत कम रहेगा, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा कम रहेगा, आपको चांसेस हैं कि बेटर ब्रांच मिले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे ये फीमेल है जनरल के 7000, देखो 3500 पे जनरल के लिए आपको यहाँ पे इतनी अच्छी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे देखो सभी कैटेगरीज का यहाँ दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी है ये जनरल, पीडब्ल्यूडी, फिर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, फिर ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये एसटी है, अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम आ चुके हैं जो कि है बायो इंजीनियरिंग। इसमें जो कट ऑफ गई हुई है जनरल के लिए वो गई है 12790 अप्रोक्स, अगर आप सेफ साइड की बात करें तो 12700 तक कट ऑफ इसकी रहेगी इस साल। और फर्स्ट राउंड में अगर आपकी 13000-14000 भी है तो आप लास्ट राउंड तक वेट कर सकते हैं, मिल सकती है आपको ये, या फिर आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरे डिटेल में दिया हुआ है, नीचे आते हैं हम, ये ओबीसी के लिए है, ये एससी के लिए है। अब मैं एक एक बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसमें आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ये एसटी है, नेक्स्ट जो मैं बताने के लिए तो लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर अगर जनरल की बात करें तो 9802 अप्रोक्स 9800 इसकी कट ऑफ है, आप एम करके चल सकते हैं इस साल के लिए एक्सपेक्टेड। यहाँ पे फीमेल के लिए 17000 है जनरल फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए थोड़ा सा बेनिफिट इसके अंदर रहता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल में कि फीमेल कम नंबर ला के भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी स्टडी करते हैं, उनके लिए भी कंपटीशन टफ रहता है, क्योंकि जे एडवांस निकाल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है अच्छे रैंक से, समझ रहे हो आप सब। ये केमिकल की कट ऑफ से आप देख सकते हैं एससी एसटी। अब इसके बाद बात करते हैं सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो कि सिविल की ही एक ब्रांच है। इसमें बात करें कट ऑफ की तो 11051 अप्रोक्स 11000 आप एम करके चल सकते हैं राउंड वन के लिए। वैसे राउंड 6 राउंड तक तो बहुत लो चली जाएगी कट ऑफ, 12000 तक भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं फर्स्ट राउंड में आपको आईआईटी जोधपुर मिल रहा है, आईआईटी मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे फीमेल के लिए 19000 है, और अगर आप चाहें तो बीआर के तरफ जा सकते हैं अगर 19-20000 आपका है तो। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू में बीआर होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें आपकी अगर आप 20000 से भी ऊपर आपकी जेई एडवांस की रैंक है, जनरल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए नहीं, सब जनरल न्यूट्रल जो मेल हैं सब, उन सब के लिए आपको वहाँ पर बीआर मिलने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं आप सब। तो यहाँ पे और भी आईआईटी खड़गपुर रुड़की में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और आईआईटी बीएचयू में।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच हम सबका फेवरेट वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE। इसकी जनरल कट ऑफ 2717 है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि 2700 पे भी अगर किसी को CS चाहिए JEE एडवांस IIT रैंक में 2700-2800 अगर किसी की रैंक है तो उस पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा IIT के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि IIT बॉम्बे में बिलो 60 होना चाहिए, IIT दिल्ली के लिए बिलो अंडर 100 होना चाहिए, समझ रहे हो। कंपटीशन बहुत टफ है, यहाँ पे आपको 2700 पे CS मिल रहा है, 2800-2900 तक पे भी आपको मिल सकता है, लास्ट राउंड तक 3000 तक भी जा सकती है। फीमेल के लिए 6700 है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसा नहीं है कि IIT जोधपुर ख़राब है, बहुत अच्छा है IIT है यार। और कंप्यूटर साइंस आपको पता है स्कोप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में यहाँ पे। और अगेन बता रहा हूँ मैं कि ये कैटेगरी रैंक्स हैं सारी, कोई भी CRL नहीं है, हमेशा की तरह बता रहा हूँ। जोसा में जितनी भी होती है ये वाली काउंसलिंग सब में CRL नहीं होती, कैटेगरी होती है। लेकिन अगर आप जोसा के बाद एक और आता है स्पोर्ट राउंड CSAB, उसमें सारी CRL होती हैं, उसमें कैटेगरी रैंक नहीं होती। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ चुका है नेक्स्ट ब्रांच। इसके अंदर अगर जनरल कट ऑफ की बात करें वो है 5859 अप्रॉक्स 5800 है JEE एडवांस कट ऑफ के लिए। फीमेल 12000 पे आपको मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एक ये भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, आप सबको पता है। और यही मैं बता रहा था कि आप देख सकते हैं आप बेटर IITs की तरफ या बेटर ब्रांच, इसमें बहुत डाउट रहता है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो आप ये कंपेयर करो कि यार स्कोप कैसा है और कॉलेज, मतलब दोनों आपके ऊपर ही, आपको ही लेना है, आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसके अंदर अगर जनरल कट ऑफ बात करें तो वो 12407 है अप्रोक्स, 12400 पे आपको मिल जाएगा। ये 12500-12600 पे भी मिल जाएगा आपको। फीमेल के लिए प्लस 20,000 या 20,000 से ऊपर पे आपको फीमेल को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कैटेगरियाँ EWS अगेन OBC फिर SC इसके बाद ST फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में देखो कट ऑफ 8169 है अप्रॉक्स 8100 है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगेन बोल रहा हूँ बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर से भी के अकॉर्डिंग इस साल बहुत अच्छा ग्रो किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने, कट ऑफ लो है, आप जा सकते हैं इसकी तरफ। प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो रही है मैकेनिकल में, सिविल और केमिकल से तो बहुत ही बेटर हो रही है इसके अंदर। प्लेसमेंट रेट अच्छा है, पैकेज अच्छा है, एवरेज पैकेज अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज सब इसके अंदर मैकेनिकल में अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देखना है, अच्छे से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं हमारी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो करके देख सकते हैं, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर जरा से ही पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को, बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि आपको डेली ही मैं वीडियो लेके आता हूँ, कभी भी ऐसा होता नहीं है कि एक भी दिन मिस हो, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो वीडियो मैं डेली लेके आऊँगा। इसमें आप कई बेनिफिट है, इसके अंदर मैं कट ऑफ्स पे IITs NITs IIITs या फिर अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कट ऑफ्स, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट वीडियोज़ भी लेके आता हूँ मैं, एवरेज हाईएस्ट मीडियम पैकेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लेसमेंट वाइज, टॉप कॉलेजेस, मतलब सब पूरे जितने भी डाउट्स हैं कॉलेजेस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सब पे वीडियो लेके आता हूँ और डेली वीडियो लेके आता हूँ, कोई भी फालतू टॉपिक पे वीडियो लेके आता नहीं हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस रहती हैं मेरी, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं कुछ भी पूछना या बताना हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।